Hi guys and welcome to the channel. आज के वीडियो में मेरे पास है हीरो की एक्सपल्स 4V. तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस बाइक के बारे में सारी बात, शुरू से लेकर एंड तक सारी बात करेंगे, फिर हम करेंगे इसका राइड रिव्यू. और इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी इस बाइक के बारे में, जो भी आपको जानना चाहिए, जो भी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस बाइक को लेने से पहले. तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को, आगे से ही बात करना स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फुली LED हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है. यहाँ पर आपको डबल प्रोजेक्टर LED का सेटअप मिल जाता है. एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ. ऐसा कुछ इसका पास वाला स्विच है. यहाँ पर आपको डबल प्रोजेक्टर LED जो है ये इसकी लो बीम है. यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED में हाई बीम देखने के लिए मिल जाती है इसकी. यहाँ पर इसकी DRLs कुछ एच शेप में दी गई हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं यार. और ये जो इसका फ्रंट फेंडर है ये एक हाई माउंटेड फेंडर आपको यहाँ पर मिल जाता है. टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. USDs नहीं है तो वो एक चीज़ है जो यहाँ पर मिस कर दी है. पर यार जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आती है यार, उस प्राइस पॉइंट पर कुछ भी मांगना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना. जितनी चीज़ें इस बाइक में दी गई हैं वो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा ही दी गई हैं यार. तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये बाइक है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये बाइक है. सारी बातें करते हैं यार अब शुरू से, तो भटक गया मैं बीच में. तो टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. 21 इंचेस का स्पोक वाला व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है. 90 सेक्शन का टायर है. फ्रंट में ABS मिलता है, पीछे आपको ABS नहीं मिलता है, तो वो एक चीज़ है. ABS के मोड्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं. यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर दिया गया है, ये आप देख सकते हो. यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर दिया गया है और ये ABS की वायर्स वगैरह जा रही है. तो वायर्स जो हैं वो क्लीनली टक इन नहीं करी गई हैं, थोड़ा सा बेटर इनको टक इन किया जा सकता था मेरे हिसाब से. बाकी और कोई दिक्कत मेरे को ऐसी बड़ी लगी नहीं है इसके फ्रंट में. पीछे की तरफ आते हैं यार, 13 लीटर्स का टैंक आपको यहाँ पर मिल रहा है. और इंजन की बात करें यार, तो इंजन यहाँ पर आपको मिलता है 200cc का ऑयल कूल्ड 4 valve वाला इंजन, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर रहा है. 19 PS की पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है और 17 point something न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस कर रहा है. काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग नंबर्स हैं ये इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से. 146,000 इस बाइक का प्राइस पड़ता है, एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं. और मेरे फ्रेंड ने बाइक ली थी तो अभी उसको 180 के आसपास इसका प्राइस पड़ा था दिल्ली में. तो वो सारी चीज़ें यार जो इस बाइक को बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाती है. तो पीछे की तरफ आते हैं यार, पीछे की तरफ आपको 120 सेक्शन का टायर इसमें देखने के लिए मिल जाता है. और इसकी बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है कि इसका जो साइलेंसर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ माउंटेड है. इसको ऊपर की तरफ माउंटेड होने की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसको आप बहुत ज़्यादा पानी में लेकर जा सकते हो ईजिली बिना टेंशन लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है. पर एक चीज़ जो प्रॉब्लम करने वाली है वो ये है कि जब आपका जो पिलियन होगा वो इस पर पैर रखेगा तो उसका पैर पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा फील होने वाली है उसको. तो वो वाली एक चीज़ है यार जो इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, इसमें अभी भी आपको किक स्टार्टर देखने के लिए मिल जाता है. तो इसमें अभी भी आपको किक स्टार्टर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि अभी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बाइक में आती नहीं है. मेरे हिसाब से यही एक लौती बाइक है जिसमें अभी भी आपको किक स्टार्टर देखने के लिए मिल रहा है. 825mm की सीट हाइट आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपकी हाइट 5'9" 5'8" तक भी है तो, क्योंकि बाइक जो है बीच में काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है और इसका जो सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. सॉफ्ट होने की वजह से बाइक अपने आप बैठ जाती है जैसे ही आप इसके ऊपर बैठते हो, और जिस वजह से इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा नीचे होके आपको पैर जो है इजीली पहुंच जाते हैं नीचे. मेरे तो बेंड होके जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरी हाइट 6 feet है. मेरे हिसाब से 5'8" 5'9" वाले लोग भी इस पर कंफर्टेबल रहेंगे और वो भी इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. 25mm की सीट हाइट यहाँ पर आपको ऑफिशियली मिल रही है. बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो यार बटन्स की क्वालिटी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है. बटन्स में हीरो अब कमी नहीं करते हैं. यहाँ पर ये जो नकल गार्ड्स हैं ये भी आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं और ये विंडशील्ड भी एज स्टैंडर्ड मिलती है. विंडशील्ड थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन ये इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं है क्योंकि आप अभी भी बाइक के ऊपर जो है बैठे हो एकदम ऊपर चढ़ के, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर थोड़ी सी मिस हो गई. यहाँ पर आपको एक USB-A टाइप मिल जाता है. यहाँ पर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है. ये जो बटन्स दिए गए हैं इससे आप इसका मोड चेंज कर सकते हो और इससे आप इसको सेटअप कर सकते हो. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इसकी RPM दी गई है. यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर दिया गया है. इसका जो गियर पोजिशन इंडिकेटर है वो यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर आपको ये टाइम बता रहा है. यहाँ पर इसका ऑडोमीटर दिया गया है. और बाकी ये जो छोटी सी डिस्प्ले दी गई है इसमें आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है, तो आप इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी चला सकते हो. यहाँ पर अभी ये ट्रिप पर सेट है, इसको मैं ऐसे दबाऊंगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 दिखा रहा है, पेयरिंग दिखा रहा है, मतलब ब्लूटूथ से जो आप चला सकते हो ऑब्वियसली. और ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दिखा रहा है. ये आपके मोड्स आ गए हैं ABS के. 3 ABS के मोड्स आपको इस बाइक में आते हैं, जिसमें आते हैं रोड, ऑफ रोड और रैली. तीनों रैली में आपका जो फ्रंट ABS है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, सिंगल चैनल ABS आता है इस बाइक में. अब चलते चलते बात करना स्टार्ट करते हैं यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना, लेट्स गो. ओके बस, तो चलाना स्टार्ट करते हैं यार बाइक को अब. और देखो जैसा आज मौसम हो रहा है तो मैं इतना ज़्यादा पुश इसको करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यार मेरी बाइक नहीं, मेरे दोस्त की बाइक है और मारेगा मेरे को अगर इसको कुछ भी हो गया तो. एनीवे, पर मौसम जैसा है इस बाइक को ऐसे
इसी बाइक को चलाने का मौसम हो रहा है अभी, क्योंकि खड्डे वड्डे कहीं पर भी निकल जाते हैं। और इस बाइक में इसका सस्पेंशन इतना ज़्यादा अमेजिंग है यार कि आप इसको कहीं भी किसी भी खड्डे में घुसा सकते हो, आपको फील ही नहीं होगा। अभी जैसे ये देखो यहाँ पर रोड पर ये बने हुए ना, इनका भी मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा यार मैं इनके ऊपर बाइक चला रहा हूँ। इतनी ज़्यादा अमेजिंग सस्पेंशन इस बाइक में दिए गए हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ऑफ रोड के लिए आपको ऐसे ही सस्पेंशन की ज़रूरत होती है, और इस बाइक में जो सस्पेंशन दिए गए हैं फिनोमिनल, मज़ा ही आ गया यार इस बाइक को चलाकर इसके सस्पेंशन की वजह से। क्लच फीलिंग की बात करते हैं यार, जो क्लच यहाँ पर आपको दिया गया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर है, लेकिन उसमें फील बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्लच की फीलिंग में यार हीरो बहुत कमाल कर देते हैं यार, हीरो और होंडा वाले दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्लचेस बनाते हैं। पर एक जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी मिस लग रही है क्लच के बारे में, वो ये है कि इसका जो टिप है ना वो थोड़ा सा शार्प है, अगर इसको फ्लैट कर दिया जाता टिप को तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता। ओके एनीवे, राइडिंग पोजीशन की बात करते हैं यार, एकदम अपराइट राइडिंग पोजीशन आपको यहाँ पर मिल रही है, एकदम सीधे बैठने वाले हो आप, और सारी जो विंड है मेरी छाती पर लगने वाली है, क्योंकि ये जो विंडशील्ड है किसी काम की नहीं है। अगर विंडशील्ड थोड़ी सी और बड़ी होती तो मे बी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती तो वो और अमेजिंग हो जाता, लेकिन बाइक का जो इंजन है इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा रिफाइंड है यार, मज़ा ही आ गया यार इसको चलाने में। इतना ज़्यादा स्मूथ इंजन मैंने बहुत टाइम बाद किसी भी मैन्युफैक्चरर पर फील किया, मतलब हीरो की जो स्मूथनेस है ना यार वो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर से कंपेरेबल है, ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने होंडा से बहुत ज़्यादा सीखा है। जब इनका जो टाइप था वो था हीरो होंडा के नाम से, जैसे पहले आती थी मोटरसाइकिल्स, तो तब इन्होंने ना इतनी चीज़ें सीखी हैं होंडा वालों से, हीरो ने सबसे अच्छे से चीज़ें सीखी हैं। टीवीएस ने सुजुकी से कुछ नहीं सीखा, पहले टीवीएस और सुजुकी का भी टाइप था, टीवीएस वालों ने सुजुकी से कुछ नहीं सीखा, इन्होंने सीखा है। बजाज और कावासाकी ने भी इतना ज़्यादा नहीं सिखाया, लेकिन हीरो होंडा वालों ने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। और इतना ज़्यादा अमेजिंग इंजन बनाते हैं ना यार ये लोग, इवन इंजन बहुत अच्छे बनाते हैं, चैसीज बहुत अच्छी बनाते हैं, हीरो वाले अंडररेटेड हैं यार थोड़े से, मतलब जितना अच्छा वो काम करते हैं ना उसके मुकाबले वो थोड़ा सा अंडररेटेड रह जाते हैं, क्योंकि वो बजट सेगमेंट में रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो प्रीमियम सेगमेंट में घुस रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं हीरो की मोटरसाइकिल्स। एक जो कमी है, अभी जैसे ये बंदा सामने से आ रहा था, ब्रेक्स थोड़े से बेटर होने चाहिए थे, पर मैं समझता हूँ कि यार एडवेंचर बाइक जो है उसमें आपको इमीडिएट बाइट नहीं चाहिए होती है। इसकी जो ब्रेकिंग की इनिशियल बाइट है वो थोड़ी सी वीक है मेरे हिसाब से, अगर इसकी जो इनिशियल बाइट है उसको फिक्स कर देते तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाता। अभी मैं इसको रोड ABS पर चला रहा हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो ABS है वो काम कर रहा है, इतनी जल्दी किक इन भी नहीं कर रहा है कि ऐसा हो कि फालतू में किक इन करता रहे, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर नहीं है। एक जो शिकायत मेरे को सीट से लग रही है इस बाइक की, वो ये है कि सीट जो है काफ़ी ज़्यादा पतली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो सीट हाइट है काफ़ी ज़्यादा है, 825 mm की सीट हाइट आपको यहाँ पर मिल रही है, और अगर इतनी सीट हाइट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको अगर बाइक को एक्सेसिबल बनाना है तो किस तरह आपको सीट को है थोड़ा सा मैनेजेबल कराने के लिए सीट को थोड़ा सा जो सीट की जो विड्थ है उसको कम कर दिया जाता है। ओके, तो सीट की विड्थ कम करने की वजह से मेरे जैसे जो थोड़े हैवी साइड पर लोग होते हैं, अभी मेरा वेट बढ़ गया 90 kg के आसपास का मेरा वेट हो गया है, तो 6 महीने में मैंने वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, तो मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए जो बाइक है थोड़ी सी पतली सीट है मेरे हिसाब से, तो हमारी तशरीफ जो है थोड़ी सी मोटी हो गई है और सीट जो है काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही है मेरे को। ओके, पर मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको मैनेज कर सकता था, अगर इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी ज़्यादा भी होती तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। पर इस बाइक पर मैं समझता हूँ यार कि जो जो लोग इसको लेंगे, अगर कोई कम हाइट वाला बंदा लेगा उसके लिए भी मैनेजेबल बनाना था इसको, तो डेफिनेटली इट इज़ गुड। ओके, क्या रह गया, हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको लेवरेज यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इसमें फील आ रही है। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी वो ये था कि इसका जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है थोड़ा सा स्लो है, जैसे अभी मैं इसको 5th गियर पर चला रहा हूँ, अगर मैं इसको 4th क्लच दबाऊँगा और ये गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो डिस्प्ले करना बंद कर देगा, क्लच दबाते ही वो डिस्प्ले करना बंद कर देता है कुछ भी गियर में आप अगर हो तो। जैसे अभी मैं 5th गियर में चला रहा हूँ, इसका मैं क्लच दबाया डिस्प्ले बंद हो गई, अब ये बता नहीं रहा कि मैं कौन से गियर पे हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वाली एक चीज़ है यार जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गियर पोजिशन इंडिकेटर की। मान लो अगर मैं अभी क्या कहते हैं एक ट्रैफिक हो सामने, मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ इसको, तो मेरे को यार पता होना चाहिए ना मैं कौन से गियर में हूँ, या तो आप दो ही मत। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है उन्होंने ठीक नहीं किया है, इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है बेटर तरीके से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए था। ओके, तो एक जो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को इस बाइक के साथ वो ये है कि इसकी जो राइडिंग पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, अच्छा खासा मेरे को व्यू आ रहा है आगे के ट्रैफिक का, आगे के जो
रोड पे क्या क्या हो रहा है उस सब का, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है यार। जब भी आप इतनी ऊंची कोई बाइक लेते हो, मतलब ये एक अच्छा चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर मिरर्स की बात करते हैं यार, मिरर्स आर ओके। मिरर्स में कोई वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंजन जो स्मूथ, इंजन की जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो इंजन से मेरे को कोई शिकायत ऐसे है नहीं है। ओके, तो भगा के देखते हैं थोड़ा सा। मिड रेंज में इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिड रेंज का जो पुल है इंजन का अबाउट 4000 से लेके 6000 तक के RPM का, इसमें इंजन का जो पुल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो इंजन है वो थोड़ा सा थक जाता है। पुराना वाला इंजन जो था वो इससे भी ज़्यादा थक जाता था, क्योंकि उसमें जो इंजन आता था वो केवल 2 valve वाला आता था। इसमें आपको 4 valve वाला इंजन मिल रहा है, तो 4 valve होने की वजह से जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा अब रेव कर पाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीली रेव कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सस्पेंशन का अच्छे से टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोड ब्रिज है इस पर थोड़े से खड्डे अच्छे हैं, तो यहाँ पर ये जो सस्पेंशन है ना काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यार, मज़ा आ गया। यस, तो 21 इंचेस के फ्रंट व्हील की वजह से थोड़ा सा इसको जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी लिथार्जिक हो गई है, पर चैसी बैलेंस इतना ज़बरदस्त है कि आपको वो बहुत कम फील होने वाला है। क्योंकि जब मैं हिमालयन चलाता हूँ ना, तो हिमालयन में मेरे को वाली चीज़ फील होती है कि हाँ यार इसमें आगे 21 इंचेस का फ्रंट व्हील लगा हुआ है, और इस वाली बाइक में मेरे को कम फील हो रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि इसका जो वेट है हिमालयन से वो काफ़ी ज़्यादा कम है, पर डेफिनेटली जो मैं फील कर पा रहा हूँ ना वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि 19 इंचेस के फ्रंट व्हील पर ये बाइक चल रही है, तो ऐसी अगर बात मैं इसके लिए कर पा रहा हूँ ना, तो डेफिनेटली ये एक कॉम्प्लीमेंट है यार इस बाइक के लिए, समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ है। गियरिंग इसमें थोड़ी सी शॉर्ट आपको दी गई है, और जैसे कि मैंने कहा था अभी 6000 तक ये पुल करता है अच्छे से, और 6 से 8000 के बीच में इंजन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इजीली पुल कर पाए बाइक को, ठीक है। एक जो कमी मेरे को लगी वो ये है कि इसमें एक 6th गियर और दे देते, थोड़ा सा ओवर ड्राइव के लिए वो गियर हो जाता है। मान लो अगर आपको हाईवे पर क्रूज़ करना है, येस, तो इसको आप इजीली 85-90 के बीच में क्रूज़ कर सकते हो, पर अगर इसमें एक 6th गियर दिया जाता तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा और इस पर ईजीली क्रूज़ कर पाते, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती यार इस बाइक के लिए। बाकी मेरे को एज सच कोई बड़ी शिकायत है नहीं, क्योंकि यार जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक बनाई जा रही है, जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक सेल करी जा रही है, उस प्राइस पॉइंट पर इतना ज़्यादा अमेजिंग, इतना ज़्यादा केपेबल पैकेज कोई भी और मैन्युफैक्चरर आपको ऑफर नहीं कर रहा है। ओके, मौसम कितना अच्छा हो रहा है यार आज, मज़ा ही आ गया। कितने दिनों बाद मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, बहुत दिन हो गए यार ये वाली वीडियो बनाए। तो पीछे वाला जो ब्रेक है वो आगे वाले ब्रेक के मुकाबले मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है। उसकी जो बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू द फ्रंट ब्रेक ऑफ दिस बाइक। फ्रंट ब्रेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है यार, फ्रंट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा फील जो होती है ना वो लैक करता है। इनिशियल फील जो होती है, इनिशियल बाइट जो होती है, स्ट्रेंथ भी कम है, थोड़ी सी कम ही स्ट्रेंथ है मैं बोलूँगा, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपका काम ना चले। ओके ओके गाइस, तो लगता है मैंने सारी बातें कर ली हैं यार इस बाइक के बारे में। कुछ भी मेरे से रह गया हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछना। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो। अगर आप प्लान कर रहे हो हीरो की कोई भी बाइक, तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछो अपने सवाल जो भी मेरे से पूछ रहे हैं, और मैं आपका आंसर डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से एज बेस्ट एज पॉसिबल। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।